हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डीफार्म सेकेंड ईयर का कम्युनिटी फार्मेसी का फोर्थ चैप्टर पढ़ाएंगे। अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से कम्युनिटी फार्मेसी की प्लेलिस्ट को ओपन करें और चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड की वीडियो वहाँ पड़ी हुई है। आप वहाँ से जाकर देखें और समझें और अपने नोट्स को तैयार कर लें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। उन्हें बताएं कि यूट्यूब पर हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स वाली वीडियो मिल गई हैं और वहाँ से जाकर आप तैयार कर सकते हैं अपने नोट्स को। तो कम्युनिकेशन स्किल की डेफिनेशन क्या है? कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो यानी दो लोग या दो से अधिक पर्सन अपने व्यूज, थॉट, आइडिया, इमोशंस, फीलिंग को अच्छे तरीके से शेयर करना ही कम्युनिकेशन स्किल कहलाते हैं। यानी इसमें कोई दो या दो से अधिक पर्सन होते हैं, वे अपनी आइडिया को, अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को किसी दूसरे पर्सन को बताते हैं या शेयर करते हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम है, अपनी जो भी बात है, अपना जो भी तर्क है, वो दूसरे को बताते हैं। इसको ही कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या होता है, यानी कैसे होता है कम्युनिकेशन स्किल, एलिमेंट तत्व तो क्या होते हैं इसके, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, जो इसके मुख्य तत्व होते हैं। सबसे पहले हेडिंग आ जाती है सेंडर। सेंडर वह होता है जो अपनी बात को कहता है। जैसे आप किसी को अपनी बात बता रहे हैं तो इसमें आप सेंडर हो गए, यानी आप अपनी बात बता रहे हैं। सेंडर की हेडिंग क्या है? जो भी अपनी बात को कहता है या जो बोल रहा होता है वह सेंडर होता है। मैसेज यानी आप जो भी बोल रहे हैं वह मैसेज हो गया, यानी दूसरे को आप क्या बता रहे हैं वह मैसेज कहलाता है। यानी सेंडर के द्वारा जो भी बात कही जाती है वह मैसेज होता है। रिसीवर यानी आप जिससे बोल रहे हैं वह रिसीवर हो गया है। जो मैसेज प्राप्त करता है या जिसके लिए कोई बात कही जाती है वह रिसीवर कहलाता है। मीडियम यानी आप जब अपनी बात कहते हैं तो कोई माध्यम भी तो होता है। आप टेलीफोन से अपनी कोई बात कहते हैं या मैसेज से बात कहते हैं या कोई पत्र से बात कहते हैं, तो वह मीडियम यानी माध्यम हो गया। जिस माध्यम से अपनी बात को पहुँचाया जाता है या मैसेज को भेजा जाता है उसको मीडियम कहते हैं। और फीडबैक लास्ट में आ जाता है, रिप्लाई, फीडबैक को ही रिप्लाई कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है कम्युनिकेशन का। टू मेक इज सक्सेसफुल, यानी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। इट इज़ द रिएक्शन और रिप्लाई फॉर रिसीवर। जब आप किसी से अपनी बात कहते हैं तो वह आपको रिप्लाई देता है, यानी उस बात के लिए कोई तर्क देता है या रिप्लाई देता है, उसको आप रिप्लाई या फीडबैक कहेंगे। अब आपका टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, यानी कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो कितने टाइप का होता है। मुख्यतः कम्युनिकेशन स्किल टू टाइप का होता है, एक वर्बल कम्युनिकेशन और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको कितने टाइप का बताया? दो टाइप का, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन की पहली हेडिंग डालते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। यह कम्युनिकेशन कैसा होता है? ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड का यूज़ किया जाता है, यानी बी से शुरू हुआ है वर्बल, तो इसमें वर्ड का यूज़ होगा, तब इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। और जो दूसरी हेडिंग है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन के क्लासिफिकेशन को हम इस तरीके से चार्ट के द्वारा समझा सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल को कैसे डिफाइन किया गया है। देखिए, लिखा हुआ कम्युनिकेशन, इसके टू टाइप हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन दो तरीके से हो सकता है, यानी वर्बल में वर्ड का यूज़ किया जाता है ना, तो इसको दो टाइप में बांट दिया गया। देखिए, एक हो गया रिटेन कम्युनिकेशन, आप लिखकर भी तो उसको बोल बता सकते हैं, जब आप लिखकर बताएंगे तब भी वर्ड का यूज़ होगा। उसके बाद जो एक होता है ओरल कम्युनिकेशन, तब ओरल कम्युनिकेशन में भी वर्ड का यूज़ होता है। ओरल कम्युनिकेशन को टू टाइप में बांटा गया, एक वन टू वन कम्युनिकेशन, एक होता है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। अब आ जाते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, यहाँ पर कम्युनिकेशन लिखा हुआ है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक आ जाता है बॉडी लैंग्वेज, साइन एंड सिंबल,
साइलेंस, टच लैंग्वेज यानी आप टच करके कोई चीज़ पता कर दें कि ये क्या है, टाइम लैंग्वेज आप टाइम को पूछने के लिए ऐसे इशारा करते हैं तो उसको टाइम लैंग्वेज कहते हैं, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। चलिए दोस्तों हम आगे इसको पार्ट बाय पार्ट डिफाइन करते हैं। आप सबसे पहले हेडिंग आती है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपको डीफार्म सेकेंड ईयर के सभी नोट्स प्रोवाइड करेंगे हिंदी इंग्लिश मिक्स में, और थोड़े दिनों बाद हम डीफार्म फर्स्ट ईयर के भी हिंदी इंग्लिश मिक्स में नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन वह होता है जिसमें लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, यानी हम आपसे बात करते हैं, आप मेरे सामने खड़े हो तो हम आपसे बात करते हैं, तो उसको हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। अपने थॉट्स को बताते हैं तो वो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड, यानी ओरल कम्युनिकेशन में आता है लेक्चर्स, आप कॉलेज में लेक्चर लेते हैं, कोई स्पीच सुनते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, इंटरव्यू होता है, कोई मीटिंग होती है, वह सब ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। उसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। देखिए आपको हमने बताया था, यहाँ बताया था कि ओरल कम्युनिकेशन जो है भाई दो टाइप का होता है, वन टू वन कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। तो आपने ओरल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ ली है, उसके बाद फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। सबसे पहले आता है वन टू वन कम्युनिकेशन, इसको हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। दूसरा आता है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, यानी ऑन इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा जो भी कम्युनिकेशन होता है। तो सबसे पहले वन टू वन कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। वन टू वन कम्युनिकेशन को ही फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ये ओरल टाइप का कम्युनिकेशन होता है, यह भी यानी ओरल टाइप का कम्युनिकेशन होता है, इसका मीन्स होता है कि ये ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। वन टू वन कम्युनिकेशन हैज़ थ्री बेसिक एलिमेंट, एक होता है वर्ड, टोन, बॉडी लैंग्वेज। वन टू वन कम्युनिकेशन के जो थ्री मेन एलिमेंट होते हैं, इनमें वर्ड का यूज़ किया जाता है, आपकी टोन कैसी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इस बेस पर वन टू वन कम्युनिकेशन होता है। अगला जो आ गया इसका पार्ट हो गया टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन जो टेलीफोन यानी मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किया जाए, ऐसे कम्युनिकेशन को टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कहते हैं। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन फेस टू फेस कम्युनिकेशन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, यानी आप जब किसी से फेस टू फेस बात करते हैं तो वो बात अलग होती है, आप किसी से फ़ोन से बात करते हैं तो वह बात अलग होती है, यानी फेस टू फेस बात करना बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। अब जो कम्युनिकेशन है उसका सेकेंड पार्ट है रिटेन कम्युनिकेशन। आपको बताएंगे कि रिटेन कम्युनिकेशन क्या होता है। यह भी एक प्रकार का वर्बल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि इसमें वर्ड का यूज होता है, इसमें भी वर्ड का यूज़ किया जाता है, इसमें अपनी बात को लिखकर दूसरे तक पहुंचाया जाता है, यानी अपनी कोई बात है उसको आपने लिख दिया है, जैसे एप्लीकेशन है आपको छुट्टी लेना है तो आप लिखकर छुट्टी लेते हैं, इसी प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। इट इज़ द मोस्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये मोस्ट फॉर्मल फॉर्म होती है कम्युनिकेशन की। अब अगली हेडिंग आ जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब बताएंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। यह स्पेशल टाइप की कम्युनिकेशन होती है, इस प्रकार की कम्युनिकेशन में वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है, यह मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेशन होता है, इट इज़ कॉल्ड वर्डलेस कम्युनिकेशन, इसको वर्डलेस कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इसके जो पार्ट होते हैं वो होते हैं इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन द मैसेज आर डिलीवर्ड थ्रू, सबसे पहला हो गया बॉडी लैंग्वेज, साइन एंड सिंबल, साइलेंस, टाइम लैंग्वेज, टच लैंग्वेज। तो इसका पहला पार्ट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यह शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। बॉडी लैंग्वेज यह भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सोर्स होता है, इन विच वेरियस फिजिकल बिहेवियर आर यूज टू डिलीवर द मैसेज। इसमें बहुत से वेरियस यानी फिजिकल जो मैसेज होते हैं वो डिलीवर्ड करने के लिए विभिन्न तरीक़ों से किया जाता है, जैसे
सबसे पहले हेडिंग आती है गेस्चर, यह बॉडी पार्ट का मूवमेंट होता है, यानी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप कैसे हिल रहे हैं, आपके हाथ कैसे चल रहे हैं, आप खड़े कैसे हैं, यह सब आपका आई कांटेक्ट कैसा है, तो इसके अंदर आ जाता है गेस्चर के अंदर। उसके बाद जो दूसरी हेडिंग है फेसियल एक्सप्रेशन, बोलते समय फेस का एक्सप्रेशन कैसा है, आप जब बोल रहे हैं तो आपका फेस का एक्सप्रेशन कैसा है, हैप्पीनेस है, सैडनेस, एंगर, डरा हुआ है या आप कंफ्यूज हैं, उससे पता लगता है कि आपके फेस का एक्सप्रेशन से पता लगता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। उसके बाद आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट इज़ ए पावरफुल बिहेवियर ऑफ बॉडी लैंग्वेज, यह पावरफुल बिहेवियर होता है बॉडी लैंग्वेज का, यानी आप बात किसी से कर रहे हैं आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज का जो बिहेवियर है वो कमज़ोर हो जाएगा। आपको आई कांटेक्ट अच्छे से रखना है, जिससे बात कर रहे हो उसकी आंखों में देखकर बोलना है। पोस्चर, पर्सन किस तरीके से खड़ा है, खड़े होने का तरीका पोस्चर कहलाता है, किस तरीके से बैठा है, किस तरीके से चल रहा है, ये सब पोस्चर के अंदर आता है। अगला हेडिंग आ जाती है ड्रेस कोड, यानी बॉडी लैंग्वेज में ही आ जाती है ड्रेस कोड, ड्रेस पहनने का तरीका। ऐसा नहीं है कि आप कहीं इंटरव्यू में गए आपकी शर्ट निकली हुई है, अच्छे से सिलेक्ट नहीं है, बंधी हुई नहीं है, तो आप इंटरव्यू में पास नहीं हो पाएंगे। दोस्तों आपके सिलेबस में एक हेडिंग और है जिसका नाम है पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स, यानी पेशेंट के इंटरव्यू की टेक्निक्स क्या होती हैं। इसमें आपको सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू इज़ अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स इन विच वन आस्क क्वेश्चन एंड अदर इज़ एक्सपेक्टेड टू आंसर देम, यानी इंटरव्यू एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच, जिसमें एक पर्सन जो है क्वेश्चन करता है और दूसरा पर्सन होता है वो आंसर देता है, जिसको इंटरव्यू कहा जाता है। सम पॉइंट्स फॉर पेशेंट इंटरव्यू, यानी कुछ पॉइंट्स हैं पेशेंट के इंटरव्यू के लिए, वो आपको यहाँ दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका लिसन द पेशेंट केयरफुली एंड डू नॉट इंटरप्टेड, यानी जो पेशेंट अपनी बात को बता रहा है उसको पहले तो ध्यानपूर्वक से सुनना है, उसमें कोई इंटरप्टेड नहीं करना है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू लिसन द पेशेंट केयरफुली एंड लेट हिम टेल हिज ऑल प्रॉब्लम्स इन डिटेल, यानी आपको किसी पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है, वह अपनी प्रॉब्लम को बता रहा है तो सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को आपको इस वाले पार्ट में सुन लेनी है, बीच में उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर उसके बाद एक हेडिंग आती है आस्किंग क्लिनिकल क्वेश्चन, आफ्टर लिसनिंग द पेशेंट प्रॉब्लम द फार्मासिस्ट शुड आस्क क्लिनिकल क्वेश्चन इज नीडेड, यानी जब आप उसकी प्रॉब्लम को सभी सुन लेते हैं उसके बाद आपको उससे क्लिनिकली क्वेश्चन करना है कि आपको बुखार कब से आ रहा है, कितने दिनों से आ रहा है, फिर आपको वहाँ पर क्वेश्चन करना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इंटरव्यू विद पेशेंट्स द फार्मासिस्ट शुड केयर द बॉडी लैंग्वेज लाइक आई कॉन्टैक्ट फेशियल एक्सप्रेशन, यानी आप एक नॉलेजफुल फार्मासिस्ट हैं, आपके अंदर नॉलेज है, तो आप जब पेशेंट के सामने बैठेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस होगा, आप अपनी बात को अच्छे से उसको पेशेंट को समझा पाएंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही अच्छी होगी, और उसके बाद आपका आई कॉन्टैक्ट फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। सिंपैथी द फार्मासिस्ट शुड सिंपैथी टू पेशेंट सच एज आफ्टरिंग चेयर टू हिम एंड शुड वैलिडेट हिज स्टेटमेंट लाइक आई अंडरस्टैंड यू आर राइट, यानी जब कोई पेशेंट अपनी डिसीज़ को बताता है तो उसकी डिसीज़ को समझना है कि हाँ, अगर किसी ने बताया मेरा दर्द हो रहा तो उसकी फीलिंग को समझना है कि हाँ उसके दर्द हो रहा होगा, उसको कैसा फील हो रहा होगा, ये सब सिंपैथी के अंदर आ जाता है। दोस्तों छोटी सी वीडियो में आपको हम चैप्टर नंबर 4 पूरा समझा दिए हैं, और आप यहां से अपने प्रॉपर नोट्स तैयार कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।